ये जो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स है उसका 2 साल द्वितीय स्थापना दिवस आज मनाया गया, और जैसे हम सुन रहे जो एक प्रदर्शनी आपने बाहर भी लगा रखी कि 2 साल में आपकी पार्टी ने क्या क्या कार्य किए, तो आज जो ये यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, तो क्या मैसेज आप दिल्ली के लोगों को देना चाहेंगे इसके बाद? देखिए, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के लोग क्या, दिल्ली में तो हम लोग भी हैं जी, हम अपने आप को तो मैसेज नहीं दे रहे, लेकिन हम सब लोग मिलके एक प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली में जो झूठ फ्रेम का शासन चल रहा है जी, और ये जो एक दिल्ली के लोगों के कोई आंखों में धूल झोंकी जा रही है, इसको, इस सत्ता को हटा के हम एक नई गरीबों की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, और इस सरकार को हटाएंगे हम। सर, 2 साल के अंदर क्या क्या कार्य आपकी पार्टी ने किए? 2 साल में हमने बहुत सारे प्रदर्शन किए हैं अलग अलग मुद्दों को लेके, जैसे हमने विडो के लिए, ओल्ड एज पर्सन के लिए उनके जो पेंशन रोक दी गई थी सरकार द्वारा, उसके उस सभी को, उन सभी के लिए हमने एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया, हमने मिशन 272 लगाया, हमने झूठ फ्रेम की पॉलिसी के खिलाफ खोल खोल अभियान चलाया, पूरी दिल्ली में जन जागरण अभियान चलाया, और जन जागरण अभियान से ये पता चला कि दिल्ली में बहुत ही बदतर स्थिति है, जो विकास ये दिखा रही है ऐसा कोई विकास दिल्ली में नहीं हुआ है, ये एक झूठी तस्वीर पेश की जा रही है दिल्ली के सामने, वो बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छा सर, 2 साल के अंदर आपकी पार्टी ने कहां कहां चुनाव लड़े? 2 साल हमने सबसे पहले लोकसभा की 57 सीटों में चुनाव लड़ा है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तो लगभग 57 सीटों में हमने चुनाव लड़े। तो अभी सर, जैसे 2020 आने वाले और दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र की अभी विधानसभा जो असेंबली का चुनाव हुआ, वहाँ भी हमने चुनाव कंटेस्ट किया। अच्छा सर, दिल्ली का क्या रुख है आपका? दिल्ली का क्या रुख है? दिल्ली की सभी 70 सीटों पे चुनाव लड़े, सभी 70। इनके साथ ही कनेक्टेड सवाल है कि आप अकेले चुनाव लड़ोगे या किसी पार्टी की सपोर्ट? देखिए, हमने तो अभी आपके सामने रखा कि हम, मैं अकेला ही चलाता जाने में मंजिल, मगर लोग जुड़ते जाएंगे कार्रवाई, हम किसी के साथ नहीं जा रहे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कोई पार्टी अप्रोच करती है? अप्रोच किस चीज के लिए? जब हमारे अंदर कोई सरकार बनाने के लिए अप्रोच करेगी तब देखेंगे, चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी अप्रोच करनी किसी को। अच्छा सर, जैसे आपने कहा दिल्ली में 70 सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ी, कितने कैंडिडेट अभी तक तैयार हो चुके आपके? तैयार कैंडिडेट हमारे लगभग 20 के करीब कैंडिडेट हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन हम, क्योंकि दिल्ली का जल्द ही चुनाव होने वाला, मार्च अप्रैल के, सभी को पता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में चुनाव होना। और किसी ने कोई क्वेश्चन जिसका है तो नहीं? भानु जी, घुमा देते हैं। हमने महाराष्ट्र में हमारा संगठन तैयार है, छत्तीसगढ़ में संगठन तैयार है, और उत्तर प्रदेश में भी हमारा संगठन, लगभग हमने उत्तर प्रदेश में 18 सीटों में चुनाव लड़ा है, तो हम लोग हरियाणा में संगठन हमारा रेडी है, हमने हरियाणा में भी 10 में से 8 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ा, और जो हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले वो करनाल लोकसभा पे मिले, तो हम लोग लगातार काम करें पूरे देश में, नेशनल लेवल पे, झारखंड में भी हम कुछ सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे, अब जैसे भी संगठन होगा आहिस्ता एक्सपेंड करेंगे इस चीज़। अच्छा रामवीर चौहान जी, मैं एक चीज और पूछूंगा, जैसे आपकी अपनी पार्टी पीपल्स है, अगर आप पार्टी के साथ किसी को जुड़ना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? प्रोसीजर क्या, हमारे जो विधानसभा स्तर पे संगठन है, जिला स्तर पे संगठन है, फिर स्टेट लेवल पे संगठन है, साथ साथ हमने ऑनलाइन भी सारा सिस्टम किया हुआ है, तो कोई भी पार्टी जुड़ सकता, आप जाएं तो नेट पे आपको चेक करेंगे। क्या कोई फीस भी रखी गई है? मेंबरशिप के लिए जो नॉमिनल होता है 10 रुपए मेंबरशिप की फीस है, प्राइमरी मेंबरशिप की। पिछले साल आपने अरविंद केजरीवाल को चप्पल वाला मुख्यमंत्री कहा था, इस बार आप उनको क्या नाम देना चाहते हैं? अब मैंने आपको बता तो दिया, अब की बार बेईमान सरकार, हमने बेईमान मुख्यमंत्री है जो ईमानदारी पे बात नहीं करना चाहता, और वो चप्पल की बात करके हमने दिल्ली से जीरो किया उसको, और ये जो बेईमान, जो उसका सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है करप्शन का, आज वो करप्ट हो चुका, हम ईमानदारी के नाम पे ही चुनाव लड़ेंगे और उसकी बेईमान सरकार को दिल्ली से बाहर फेंकेंगे। जैसे मुफ्त की घोषणा इतनी हो चुकी है, तो क्या लगता है कि ये कितना सफल रहेगा चुनाव में? ये फेल हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अभी 2 महीने का टाइम है, और हमारा संगठन पूरा लगा हुआ लोगों को समझाने में। दिल्ली में ऐसी स्थिति है, कम से कम 50 कॉलोनियों में जहाँ पे नाली खरंजे के विकास की ये बात करते हैं, लोगों के घरों से 6-6 फुट ऊपर नालियां बनाई गई है, उनके घर डूब गए हैं नालियों में, ऐसी हालात है, गरीब आदमी अपने घर रोजगार चलाने की बजाय वो घर भी नहीं बना सकता है। जाके देखो आप मुकंदपुर में, मुकंदपुर, कांति विहार, नथुपुरा, काफी एरिया दिल्ली में ऐसा है जहाँ बहुत बुरा हाल है।
लोगों के घर नाली में डुबो दिए गए। रामवीर जी, जैसे अभी आप मैं आपका भाषण सुन रहा था, उसमें बोला जो गृहिणी लेडीज है उनको आप रोजगार दोगे, तो क्या इसकी हमने ये कहा कि दिल्ली की सभी महिलाओं को हम 3 घंटे के लिए एम्प्लॉयमेंट देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे जैसे हमारी सरकार बनती है। मगर जो उसमें जॉब कर रही उनको भी दोगे या जो जॉब तो जो ऑलरेडी जॉब में है वो कैसे आएंगी अपने जॉब छोड़ के 3 घंटे के लिए जी। तो जो अनएम्प्लॉयड लेडीज जितनी भी है उनको सबको हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे। देखिए पार्टी पिछले 2 वर्षों में पार्टी एक लंबा सफर तय करके आई है। पहली बात तो ये कि आप सब लोगों को जानकारी है कि हमने कानूनी लड़ाई लड़ी और केजरीवाल सरकार को हमने हराया। कानूनी लड़ाई में हमने सिंबल पे लड़ाई लड़ी और नाम पे पार्टी के नाम पे लड़ाई लड़ी है, उसमें हम कोर्ट से भी जीत गए और इलेक्शन कमीशन से जीत गए। ये एक हमारा बड़ा संघर्ष है जो गरीब लोगों को राजनीति करने से रोकने के षड्यंत्र था उसको हमने फेल किया है। दूसरा, हमने लोकसभा की 57 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो 57 सीटों पर चुनाव लड़ा तो सभी सीटों जितने भी बूथ थे देश में सब जगह हमें वोट मिला है। इसके साथ साथ हमने सामाजिक मुद्दों पे और आर्थिक मुद्दों पे काफ़ी संघर्ष किया है और वो सारा संघर्ष हमने प्रदर्शनी में शो किया कि हमने क्या क्या कार्यक्रम किए। अभी देखा जाए तो वर्तमान जो सरकार है कहीं ना कहीं छोटी छोटी पार्टियों को वो खत्म करने में लगी है, क्या आपकी अपनी पीपल्स पार्टी के लिए भी कुछ ऐसा उस सरकार ने सोचा हुआ है? देखिए ऐसा, अगर छोटी पार्टियों को खत्म करने में ये लोग लगे हुए हैं तो ये उन लोगों को हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये सरकार भारत के संविधान के खिलाफ है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स के एक्ट के खिलाफ है। तो आप अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे हमें अपना दायरा बड़ा करना पड़ेगा, छोटे की बजाय हमें अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम इनको छोटा कर सकें। ये जो सब सो कॉल्ड बड़ी पार्टियाँ हैं, हम अपना दायरा बढ़ाएंगे तो ये पार्टियाँ सिकुड़ जाएंगी। जैसे कि कांशीराम जी ने एक बार कहा था कि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे कांग्रेस की जड़ें उखाड़ देंगे। तो आज कांग्रेस देश में खत्म होगी ना, जीरो होगी, तो ऐसे ही आपकी अपनी पार्टी पीपल्स बढ़ेगी तो भाजपा कांग्रेस ये सब खत्म होती चली जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी 2020 में दिल्ली के इलेक्शन होने वाले जी, और बीजेपी ने एक अपना एजेंडा सेट कर दिया है कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम जुड़वा के राम मंदिर भी बनवा दिया, पुलवामा भी जो हुआ था 370 भी हटा दिया, साथ में 3 तलाक भी हटा दिया, जो पूरा वोट बैंक जो हिंदू वोट बैंक था वो अपने पक्ष में कर लिया है कहीं ना कहीं, तो आप उस रणनीति को कैसे डिफीट करेंगे? देखिए जो हिंदू रणनीति की जो बात करते हैं आप के हिंदूइज्म करके, मैं उसी विचारधारा के लोगों से एक सवाल करता हूँ कि आप वोट लेने के लिए हिंदू बने हो या एक्चुअल में हिंदू बने हो? जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इट्स नॉट ए रिलीजन बट इट्स ए लाइफ स्टाइल, तो वो लाइफ स्टाइल कुछ लोगों के लिए नहीं है। उस व्यवस्था में जहाँ आप 6,743 जातियों की बात करते हैं तो आप सिर्फ हिंदू रख दो ना, आप किसी के सर्टिफिकेट पे जाति कोई जाति सूचक बात मत करो कि ये चमार होगा ये बाल्मीकि होगा ये धारणा के ये खटीक है, आप सीधा हिंदू रख दो सभी का। आप किसी का ब्राह्मण किसी का क्षत्रिय मत रखो, किसी को वैसे मत रखो। अगर आप हिंदू मानते हो तो सारा यही तो हमारा एजेंडा पार्टी का। हमने कहा कि वी विल इंट्रोड्यूस कास्ट एबोलिशन एक्ट इन दिस कंट्री, कि जब ये कास्ट खत्म हो जाएंगी तो आ जाओ आप, हम आपकी उनकी विचारधारा से लड़ने के लिए हम लोग रेडी हैं, हमारे पास पूरा प्लान है। जिस दिन ये सरकारें कास्ट एबोल्यूशन एक्ट लेकर आ जाएंगी उस दिन इस देश में 2 क्लास बनेंगी, एक गरीब एक रिच एक पुअर, और रिच और पुअर में पुअर का वोट ज़्यादा है। जैसा कि बाबा साहब कहते थे कि मैंने तुम्हारे हाथ में वो हथियार थमा दिया, जाकर अपनी दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, लेकिन हम हुक्मरान ना बनके बेगर बन गए। हम चुनाव के वक्त 2 वक्त का खाना 500 रुपये लेके हमें नहीं पता कि हमने वोट कहाँ डाल दिया, तो वो चीज़ उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और उस हिंदुइज्म का जो वोट के लिए हिंदुइज्म है लेकिन सामाजिक रूप से हिंदुइज्म नहीं है, कहीं भी समाज में कहीं हिंदुइज्म नहीं मिलेगा आपको, समाज में जातियों में बिखरी हुई जनसंख्या मिलेगी। तो जो बीजेपी से आपको किस तरह की रणनीति सामने लाएंगे जनता के सामने, वो मुद्दा कैसे आप उनके सामने रखेंगे? हमने तो कहा जिस तरह से बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया, आप अपना एजेंडा कैसे? देखिए ऐसा है, जो पावरफुल लोग होते हैं, अब जो पावरफुल लोग हैं जिनके पास संसाधनों का कब्जा है, ये जो कास्ट है इन कास्टों को वो लोग पावरफुल लोग रिसोर्सिस के खिलाफ रिसोर्सिस के डिवीजन ना हो जाए इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनको। अगर इन लोगों को हमने चेता दिया, इन लोगों को तैयार कर दिया कि ये कुछ लोग हैं जिन्होंने रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए कास्टिज्म किया हुआ है,
अगर इन लोगों ने रिसोर्स मांगने शुरू कर दिए, जाति के नाम पे रिसोर्स नहीं मांग रहे हम, जाति के नाम पे रिजर्वेशन मांग रहे हैं। अगर हम कह दें कि हमारा इस 10 बीघे ज़मीन में हमारे भी हिस्सेदारी है, इस इंडस्ट्री में हमारी भी बराबर की हिस्सेदारी है, जिस दिन हमने रिसोर्स मांगने शुरू कर दिए उस दिन हम इस सिस्टम का मुकाबला कर लेंगे। रामवीर जी, देखा जाए तो जल्द ही में ही जो है विधानसभा चुनाव है दिल्ली के अंदर, और अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए, उसकी पार्टी की बात की जाए, तो उसने कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, स्कूल के नाम पे, इसके अलावा देखा जाए तो अभी जो है बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा के नाम पे कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने पक्ष में किया हुआ है, तो आप कैसे उन लोगों को समझाएंगे जो अपना दिल्ली के अंदर वोटर है? देखिए, ऐसा है, स्कूल के नाम पे तो हमने पूरी दिल्ली में अभी अपना कैंपेन चलाया हुआ है कि 500 स्कूल और 20 नए कॉलेज का पता बताए दिल्ली सरकार। अरविंद केजरीवाल ने जो झूठा घोषणा पत्र दिया है, तो आप, मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ कि बताइए, आप एड्रेस बताइए कि 500 नए स्कूल कहाँ खुले हैं। दूसरी बात, फ्री में जो ये तीर्थ यात्रा कराई जा रही है, अब ये फ्री में तीर्थ यात्रा कराई जा रही है, इसी पे मैं एक और सवाल करता हूँ आपसे, क्या जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी जाते हैं अजमेर शरीफ, वो मक्का मदीना जाते हैं? तो सिर्फ हिंदुओं के लिए तीर्थ यात्रा कराई जा रही है, मुस्लिमों के लिए भी कराई जा रही है जियारत? बताए केजरीवाल इस चीज़ को, क्या मुस्लिमों को जियारत करने के लिए भेज दिया गया मक्का मदीना एक जहाज? ये जो डिवीजन कराया जा रहा है, जिन लोगों का वोट लिया जा रहा है, इस तरह की पॉलिसी बना के गुमराह ना करें, देश के वोटर्स को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, और केजरीवाल के पास ऐसा कोई वो नहीं है। देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हर बार विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इन बातों को लेके, तो क्या आपकी अपनी पीपल्स पार्टी इस पे कुछ एक्शन ले रही है या नहीं? हमने आपको अभी बताया कि विज्ञापन, जो विज्ञापन की बात है, दिल्ली का एक बड़ा मंत्री जो पूरे देश में बड़ा पर्चे, एक थैला लटका के चलता है, बड़ा कहता कि मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूँ, उसके भतीजों ने एडवर्टाइजमेंट कंपनी बनाई हुई है जी। और सारा एडवर्टाइजमेंट का बड़ा घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला उसके माध्यम से किया जा रहा है, हम इसको एक्सपोज करेंगे। दिल्ली में एजुकेशन का तो कोई रिफॉर्म ही नहीं है, जो आबादी बढ़ी है। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि दिल्ली में 2015 में जो वोटर की संख्या थी वो आज 1,45,00,000 कैसे हुई है? क्या उसकी, उस आबादी के अनुपात पे आपने एजुकेशन सिस्टम को एक्सपेंड किया है? तो हम आपका रिफॉर्म्स मान लेंगे कि आपने एजुकेशन सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया है। अगर आपको 500 स्कूल की जरूरत थी, आपने 600 स्कूल बना दिए, आपने एक्सपेंशन तो कुछ किया नहीं। बिल्डिंग पे अगर आपने सफ़ेदी लगा दिया है या कलर लगा दिया है तो उसको आप रिफॉर्म्स मानते हैं? या एक अच्छा सा फर्नीचर डाल दिया एक स्कूल के कमरे में, वो आपके लिए रिफॉर्म्स है? आपकी अपनी पीपल्स पार्टी का जो 70 विधानसभाएं हैं अभी तक का क्या विश्लेषण है, कितने लोग इस बार चुनाव मैदान में रहेंगे? देखिए, चुनाव मैदान में हमने केजरीवाल जी के साथ बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, कानूनी लड़ाई जी। सिंबल के लिए भी, पार्टी के नाम के लिए भी, और अब हम 70 सीटों पे, भारत के इलेक्शन कमीशन ने हमें बैटरी टोर सिंबल अलॉट किया है, हम 70 की 70 सीटों पर चुनाव फाइट करने जा रहे हैं। देश और जनता को जो है आज भारतीय संविधान दिवस है, इस मौके पे देखा जाए तो आपकी अपनी पीपल्स पार्टी का जो है जन्म हुआ था, आज उसका स्थापना दिवस भी है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए, मैं देशवासियों को ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि जो भारत के संविधान की मूल भावनाएं हैं, पार्टी ने, हमने ये जो 4 शब्द ऊपर लिखे हैं ना, स्वाभिमान, समृद्धि, सम्मान और स्थायित्व, ये भारत के संविधान में जो राइट्स दिए गए हैं ये उनको इंगित करते हैं कि हर आदमी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से जीना चाहता है, हर आदमी आर्थिक, उसका आर्थिक जीवन समृद्ध हो, जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि आर्थिक जीवन में विषमता बनी रहेगी, तो हमने समृद्धि वर्ड उसी से लिया है, और इसके बाद जब उसकी जीवन में ये चीज़ें होंगी तो सम्मान, रिस्पेक्ट की जरूरत है हर आदमी को। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल सरकार बना ली उसके बाद गड्ढे में चले गए, तो इनमें एक स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। आज आपका जीवन सुखी है, कल को आपके जीवन में फिर निराशा आ गई, तो इन चीज़ों से बचाने के लिए हमने ये प्रिंसिपल्स लिए हैं। और एक चीज़ और है कि भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम को कुछ लोगों ने, जो मनी माइंडेड लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। अब उसके खिलाफ एक बड़े संघर्ष और आंदोलन की जरूरत है, साथ साथ कुछ लोगों को कुर्बानी के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ये जो सरकार पिछले 2014 से दिल्ली में चल रही है, केंद्र की सरकार, ये कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होने देना चाह रही है। जब भी लोग कोशिश करते हैं उसको किसी ना किसी तरीके से तोड़ देती है। तो अब लोगों को, जो लाइक माइंडेड पीपल्स हैं, उनको एक साथ आके एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए, ताकि ये जिस दिशा में देश बढ़ रहा है वो ठीक नहीं है, वो खतरनाक स्थिति है। मेरा क्वेश्चन था, आपने कहा था आप सभी घरेलू औरतों को 3 घंटे का रोजगार देंगे,
आपको कैसे देंगे, क्योंकि जो भी कोई कंपनी या रोजगार देता है तो वो कुछ क्वालिफिकेशन या विशेषता निर्धारित करता है। आप एक बात बताइए, क्या हर घर में मसाला इस्तेमाल नहीं होता है? अगर जो घरेलू महिलाएं हैं वो अपने घर में मसाला पीसने में एक्सपर्ट हैं या नहीं है? घर में आटा, आटे की रोटी बनाती है, अगर वो खाने के लिए सप्लाई चेन शुरू कर दिया है उसके लिए एक्सपर्ट हैं या नहीं है? अगर महिलाओं को जो जिस लायक हैं, जो जिस काम को कर सकती हैं, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो अनपढ़ को भी रोजगार दिया जा सकता है। दिल्ली की दिल्ली की लगभग 2 करोड़ की आबादी है, उसके खाने की समस्या को सोल्व करने के लिए उसकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। कुटीर उद्योग के माध्यम से चौपाल जितनी बनी है, कम्युनिटी सेंटर जितने बने हुए हैं, वहाँ पे उन महिलाओं को लाके हम उनको रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये नियत के ऊपर बात है, उनके लिए तैयार की प्लान हमने बनाया हुआ है। जैसे सरकार बनेगी हम अपना प्रोग्राम दिखाएंगे आप लोगों के सामने। मैम, जिस तरह से आपको दिल्ली का एक प्रभारी बनाया गया है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का, जिस तरह से दिल्ली में महिलाओं की जो स्थिति है, आए दिन प्रतिदिन उनमें जिस तरह के रेप जैसी समस्याएं और बहुत तमाम समस्याएं हैं, उनके साथ जो अन्याय होता है, उस मुद्दे को लेके आप कितना काम कर रही हैं और क्या उनके लिए किया जा सकता है? देखो, मैं रहने वाली तो नरेला दिल्ली 40 की हूँ, और मैं हर पार्टी को, अभी मेरे भाई ने अभी बोला है कि हमने 40 साल या 30 साल काम किया हर पार्टी में, लेकिन हमें सुकून यहाँ मिला है। जो इज्जत आपकी अपनी पार्टी के अंदर रामवीर चौहान से मिलके हमें मिला है, अब आ जाओ रेप केस में। जब से ये पार्टी आई है ना तो लेडीजों की कोई सुरक्षा नहीं है, सबसे ज़्यादा रेप हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, कोने कोने पे दारू बिक रही हैं। क्राइम कैसे होते हैं? जब दारू के अड्डे ख़त्म नहीं होंगे तो क्राइम तो अपने आप बढ़ेंगे, रेप भी होंगे। भाई, अपने होश आवास में तो कोई नहीं करता, सब करते हैं तो नशे में ही करते हैं, मर्डर करते हैं तो नशे में करते हैं। उनका क्या है कि इन्होंने फ्री 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 का एक ढंडोरा पीट रखा है। ये हकीकत है, ये दो मुआ सांप है, इसका कोई यकीन नहीं है। और मैं मीडिया के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से ये पहुंचाना चाह रही हूँ पूरी दिल्ली में कि मैं 70 की 70 विधानसभा पर काम करूँगी। और इसे पता चल गया है कि समीम चौधरी कौन है, जिसके लिए मैं 40-40, 50-50 गाड़ी लाई हूँ और 13 दिन मैं धरने में भी बैठी हूँ, और फिर पार्टी के बनाने में भी मैंने इसको इसकी मदद करी, और चल के पैसे से भी करी, हर चीज़ से करी, लेकिन ये किसी का नहीं हुआ। जब समीम चौधरी जैसे का नहीं हुआ तो आम जनता का क्या होगा? तो मैं इन आम जनता को समझा रही हूँ कि जो 500 रुपये या कोई लालच फ्री का दे रहा तो ये वाकई में गलत दे रहा है, ये तुम्हें 5 साल तो रुलाएगा, फिर किसके दरवाजे खटखटाओगे? तो ऐसे आदमी को याद करो ना, रामवीर जैसे को, समीम चौधरी जैसे को। आपका अपना क्या एजेंडा है पार्टी? मेरा अपना एजेंडा ये है कि हम गरीब के लिए, जैसे मेरे भाई ने भी बताया कि अगर घर की जो महिला है हम उसको वही व्यवस्था की जरूरत करेंगे, और घर घर रोजगार भी पहुंचाएंगे, वे लोग करेंगे, किसी के आस्तिक केजरीवाल जैसे के हाथ ना फैलाना पड़े। फ्री के टुकड़ों पर हमें नहीं तुलना है, हमें पता है कि हम अपने लिए जी सकते हैं। जब हम उसकी मदद कर सकते हैं तो अपनी जनता की मदद क्यों नहीं कर सकते? मैं हर कोने में जाती हूँ, कोई ऐसा कोना नहीं है जिसमें मुझे नहीं जानते। समीम चौधरी के नाम से जब जाती हूँ तो लोगों को पता चल जाता है बहन जी आ रही हैं। रात के 1 बज रहे हों, रात के 2 बज रहे हों, जितनी पूरनवास कॉलोनी है, जितनी कोई भी कॉलोनी यहाँ से लेके घेवरे तक जहाँ से उठी है वहाँ तक का मुझे पता है। लेकिन अगर ये जागरूक नहीं हुए तो ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे, ऐसे ही मर्डर होते रहेंगे, ऐसे ही बलात्कार होते रहेंगे, और कभी भी जागरूक। केजरीवाल तो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है, जो सुरक्षा है वो तो केंद्र सरकार। भाई, मोदी तो है, वो प्रधानमंत्री भी तो है, उसी में मतलब दो नचोर चोर मोसेरे भाई है, एक दूसरे की सारी बात होती है। केजरीवाल तो कहते हैं हमें मोदी काम नहीं करने देता है। अभी अभी केजरीवाल की बात लगा लो, कितने कर्मचारी थे एमसीडी के अंडर में आते हैं, 4-4, 6-6 महीने उनके बच्चे भूखे मरे, मैंने दिया उनको, उनको राशन मैंने भरवाया, चलो तुम भूखे नहीं रहोगे, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, 6-7 महीने में मैंने उनका आंदोलन कराया, एमसीडी दफ्तर में जाके उनका उल्लंघन कराया कि सुधर जाओ तुम। लेकिन मैं
अपने गरीब के लिए जीऊंगी और अपने गरीब के लिए आवाज उठाती रहूंगी, अपने रामवीर भाई के लिए। जहां तक का उसका सपना है, उस सपने को साकार तो भगवान करेगा, लेकिन मेरी माता बहनें जितनी भी हैं उसके लिए एक नियत से अगर दिल से काम करेंगी तो मेरा रामवीर कहीं का कहीं पहुंचेगा और चमकेगा, दिल्ली के अंदर चमकेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।